डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, हमारे और समूचे देश के लिए आज का दिन बड़ी दुखद स्मृतियों का दिन है। हम लोग यहाँ पर स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की याद में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जिन्होंने 35 वर्ष पहले देश की सेवा में अपना जीवन बलिदान किया था। शास्त्री जी का व्यक्तित्व प्रशांत एवं महान था। वे भारत एवं शांति के लिए जीवित रहे तथा भारत एवं शांति के लिए ही मरे। वे भारत की जनता से एक रूप हो गए थे। वे सदा सेवा की भावना से प्रेरित रहे तथा सदा लोगों की भलाई की बात सोचते थे। उन्होंने हमारे देश का कठिन परीक्षा की घड़ियों में नेतृत्व किया और उन्होंने दुनिया को यह दिखाने की सहायता की कि भारत में कितनी एकता और दृढ़ निश्चय है। पैराग्राफ चेंज। शास्त्री जी गांधी युग की महान देन थे। गांधी जी की मुख्य शिक्षा थी कि सभी मनुष्य भाई हैं और उनके झगड़ों का निपटारा हिंसक तरीकों से होना चाहिए। गांधी जी के विचारों में अहिंसा का मतलब केवल हिंसा का अभाव नहीं था, यह कोई नकारात्मक धारणा नहीं थी, अपितु यह समझौते की तलाश का एक निश्चयात्मक गुण है और इसमें यह विश्वास होता है कि लोग शांति में और शांति के द्वारा ही जीवन को उच्चतर अवस्था में ले जाने का रास्ता निकाल सकते हैं। इस तरह हिंसा का परित्याग करते हुए तथा समझौते और वार्ता में पूर्ण विश्वास रखते हुए हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। शास्त्री जी का भी यही विश्वास था। जैसा कि मैंने पहले कहा, वे न केवल इसके लिए अपितु इसी के लिए उन्होंने अपना बलिदान कर दिया। पैराग्राफ चिन्ह। हमने स्वतंत्रता के 54 वर्षों के दौरान दृढ़ विश्वास को अपनी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में चरितार्थ करने का प्रयास किया है। वैदेशिक नीति में हमने हमेशा युद्ध के बिना झगड़ों के निपटाने की वकालत की है। सैन्य गुटों का विरोध, पंचशील का सिद्धांत, कोरिया और हिंद चीन में हमारी पहल और विश्व शांति के लिए किए गए अनेक काम, ये सभी हमारे इस विश्वास के परिणाम है कि झगड़ों का निपटारा शांतिमय ढंग से होना चाहिए। तस्कंद समझौता इसी नीति की एक कड़ी थी। शास्त्री जी ने वहां जो कुछ किया वह भारत के लिए नया नहीं था। तस्कंद समझौते में जो सबसे अच्छी बात थी वह यह थी कि मतभेदों का निपटारा हथियार उठाए बिना होना चाहिए। समाप्त।